Asurim yoninapanna. Mudha janmani janmani. Mama prapeva kaunteya. Tato yanti adhamam gatim. Attaining repeated birth among the species of demonic life, such persons can never approach me. Gradually, they sink down to the most abominable type of existence. So, Krishna describes in this chapter about divine and demonic people. Do tarah ke vyakti samjhaye, devik aur danavik. Hum sab log sochte hain hum devik hain. चैप्टर पढ़ लो समझ आ जाएगा किधर हो है. अभी दैविक गुण बहुत बड़े गुण हैं. तो जनरली दानव गुण हैं अभी हम लोगों में. और ये चेतावनी है कि कृष्ण को दानविक गुण अच्छे नहीं लगते. कल बोले थे ना भगवान हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है. जो दानविक गुण देखते हैं उनको गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि उनको आसरी योनि में डाल देते हैं, और वो जन्म के बाद जन्म वहाँ तड़पते हैं. सो इसमें तरह तरह की चीज़ स्टडी करी जा सकती है. हमारा मेन लक्ष्य था अबॉमिनेबल. एक बहुत सुंदर शब्द हुआ है इधर, अबॉमिनेबल. क्या बोलते हैं हिंदी में? घटिया. कभी कभी बोलते हैं ना गुस्से में, तुम घटिया किस्म के इंसान हो. ये कृष्णा भी बोलते हैं, भाई घटिया आदमी हो तुम, क्या है तुम्हें, क्या काम कर रहे हो. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो पूरा मृत्यु लोक है यही अबॉमिनेबल है, यही घटिया है. हम लोग को इतना आकर्षित करता है मृत्यु लोक. यहाँ हम फेमस होना चाहते हैं, यहाँ हम समृद्धि पाना चाहते हैं. ये तो घटिया जगह, यहाँ क्या करना चाहते हो तुम इधर. जैसे कोई टॉयलेट में जाते हैं तो क्या काम होता है, फिनिश द बिजनेस एंड गेट आउट. आप टॉयलेट में गए उसको डेकोरेट करने लगे, पागल हो क्या? अपने काम करो, बाहर निकलो. सो वी आर बिजी, वी आर वेरी वेरी बिजी डेकोरेटिंग दिस वर्ल्ड एज इफ यहाँ हम हमेशा के लिए रखने वाले रहने वाले. आवर सिचुएशन इज सो स्ट्रेंज. एनी वे अबॉमिनेबल. देर इज बहुत अच्छा एक श्लोक है भागवत में, नूनम प्रमत्ता कुरते विकर्मा. Then, nasadu manye asatatmanoyam asanaviklesha asha deha. बहुत फेमस श्लोक है. क्या मतलब है इसका? अगर हम इंद्रिय भोग का इच्छा करते हैं, कुरुते विकर्म, करोगे अबॉमिनेबल काम, घटिया काम कर पक्का, आपके आंसू हो जाएगा. क्योंकि स्लाइडिंग स्लोप है, एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज, फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड नहीं रहेगा. नूनम प्रमत्ता कुरते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपन होते. इंद्रिय की प्रीति के पीछे भग गए तो हो गया. तो कभी कभी हमको समझ नहीं आता है, हम लोग सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं. जैसे नल कुबेरा मनग्रीव था, उनको लग रहा था क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है, किसी को दर्द नहीं दे रहे ना, थोड़ा दारू पिया है, पानी में घूम रहे हैं, करेक्ट. उनको लग रहा था वो क्या गलत कर रहे हैं. अगर आप किसी आदमी को बोलो क्या कर रहे हो तुम, क्या गलत कर रहे हो, किसी को दर्द दे रहे हो, दारू ही पी रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली अपने को कभी नहीं पता चल रहा हम घटिया किस्म का काम कर रहे हैं, ठीक है. अबॉमिनेबल का मैं हिंदी में आप घटिया ले रहा हूँ, कभी नहीं पता चलता. लेकिन एक और चीज़ है, बहुत बड़ा श्लोक है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए लेकिन उसको भी समझना चाहिए. व्हाट इज द सेइंग? Krishna says that if he does the most abominable activity, same abominable, api chetu suduracharo bhajate mam ananya bhag sadurevasa mantavya api chetu suduracharo. और मैं उसका एक ही उदाहरण दे सकता हूँ, ब्रह्मा के वो छह बेटे जो देवकी के छह पुत्र बने थे. ब्रह्मा एक्चुअली भगवान की सेवा में व्यतीत रहते हैं, महान भक्त हैं भगवान के. अभी हम पढ़ रहे थे भगवान के दोस्त के रूप में भगवान उनसे शेक हैंड किए थे. लेकिन प्रभुपाद जी बोले थे उनसे ये गलती भगवत दर्शन के पहले हुई थी.
क्या गलती हुई थी? अपनी बेटी के पीछे ही भग गए थे ब्रह्मा जी, और उस समय उनके 6 बेटे थे। ब्रह्मा को देखो तो जरा, ऐसे हंस रहे थे। और उनको पनिशमेंट मिला 2 जन्म का। एक जन्म तो वो किसके बेटे बने थे? कालनेमी के बेटे बने थे, और अगले जन्म में कालनेमी कम्स बन के आए और वो देवकी के पुत्र बने, और अपने ही बेटों को श्राप के कारण वो अपने ही बेटों को मारा। कम्स के एक्चुअली वो पुराने जन्म के बेटे थे, जिनको मारा था ना कम्स ने, 6 बच्चों को मारा था, वो उसके पुराने जन्म के 6 बेटे थे। और उनको क्यों श्राप? पहले जन्म में वो ब्रह्मा पे हंसे थे। तो ब्रह्मा महान भक्त है, जैसे शिवजी भी एक बार ही मोहिनी के पीछे भग जाते हैं, कह रहे। तो क्या होता है, महान भक्त का कुछ क्षणित कभी कभी भगवान की इच्छा से ही कुछ एक माया जाल में उनको डाला। माया नहीं, शिवजी तो माया के जाल में नहीं थे, तो योग माया के जाल में थे। तो उनका स्थिति कभी घटिया नहीं होता। वो घटिया नहीं हो सकता। अरे ब्रह्मा भी घटिया हो गए, अगर आप ऐसा सोचने लगे बहुत अपराध हो जाएगा, फिर एज अ पनिशमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या श्लोक है? अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भा। क्यों उनका क्या लक्षण है, क्यों उनको घटिया नहीं बोलना चाहिए? भजते माम अनन्य भा, कॉन्टिन्यूसली वो भगवान का जप कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्षणित उनसे अगर कोई गलती भी हो गई तो उसको ओवरलुक कर देना चाहिए। साधुरे व समन्तव्य, कृष्ण बोलते हैं उसका साधु मानो, साधु एव समन्तव्य। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें 3 बार एम्फेसाइज करा गया, साधु एव मंतव्य, उसको साधु ही मानने का, जैसे बच्चे की तरह माँ का प्यार होता है, करें, इसलिए कृष्ण का प्यार है। नहीं नहीं नहीं, उसको उसको पब्लिक में हंसो नहीं ऐसे। एक बार ही हुआ था, एक भक्त था, कुछ गलती था तो मंदिर छोड़ के चला गया। तो टेंपल प्रेसिडेंट ने इष्ट गोष्ठ किया, पता है मैं ऐसा किया, कुछ गलती हो। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी को पता चला, तो प्रभुपाद जी का चिट्ठी आया, मूर्ख प्रेसिडेंट को, मूर्ख अब वो आना वापस आएगा तो कैसे, किस मुंह से वापस आएगा, तुम क्या करते हो, ये मेरे को बता देते, ये पूरा पब्लिक में बैंड बजाने की क्या जरूरत थी, करे। तो एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड, अबॉमिनेबल शब्द को भी, घटिया को भी थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। चंद्रमा में भी कोई एक मार्क होता है, उसको उसका ब्यूटी नहीं खराब होता, ठीक है। एनीवे, सो ये दुनिया ही घटिया है, इधर बहुत ध्यान से जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत जोर से कृष्ण के चरण पकड़े रहो यहाँ पे, बहुत ख्याल से रहना पड़ता है। एक्चुअली 3 तरह की लेवल में डिवोटी रहते हैं। कुछ लोग कनिष्ठ का लेवल में रहते हैं, कनिष्ठ आदमी तो गिर जाता है, कभी भी फिसल जाता हो, कभी भी घटिया काम उसके ऐसे हो जाता है। और इस दुनिया में तरह तरह के 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, मीट। इनमें से सबसे घटिया इलिसिट सेक्स है, सबसे घटिया इसमें कौन सा है ना, किसी आदमी का ये मैं उसका इज्जत पूरा चला जाता है, करेक्ट, ये 4 है। तो एनीवे, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, प्रॉपर सेज वेरी वेरी केयरफुल इन दिस सिचुएशन। सो सो माया का जाल रहेगा, किसी तरह पकड़ो। पहले बता रहे थे, हाँ, कनिष्ठ अधिकारी, तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब आराम से घटिया काम कर देता है, मध्यम अधिकारी मतलब नहीं हो सकता, वो भजते माम अनन्य भाग चल रहा है उसका, अगर क्षणित हुआ भी तो उसको वो आगे निकल जाएगा, उसके अपने को सुधार लेगा, उड़ जाएगा फिर से। उत्तम का तो चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, उत्तम मोड्स के ऊपर निकल चुका है, आप समझ रहे हो। सो प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9 चैप्टर में बोलते हैं, कनिष्ठ अधिकारी मे फॉल डाउन, मध्यम अधिकारी विल नॉट फॉल डाउन, उत्तम अधिकारी कैन नॉट फॉल डाउन, उसको माया छू नहीं सकती, उत्तम को मध्यम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी फिक्स हो गया है। कनिष्ठ फिसलेगा, चलेगा, गिरेगा, फिर फिसलेगा, चलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वन थिंग वी डिस्कस वेरी सीरियसली, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर बच्चा चल रहा है और गिरने लगे
तो ऐसा नहीं है कि उसने चलना बंद कर देना चाहिए। अरे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, चलना तो पड़ेगा आपको। नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, चलना बहुत मुश्किल। हो सकता है क्या? बच्चा है, गिरता है, क्या करते हैं? वो शुरू में गिरता है 2-3 बारी, उसके बाद क्या बोले? नहीं हो सकता। अरे नहीं, चलना तो है ही तुमको। तो सिमिलरली कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्ति में स्थिर नहीं हो सकते हम लोग। वो तो होना ही पड़ेगा बाबा, इस जन्म नहीं अगले जन्म, वो तो होना ही पड़ेगा, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। तो प्रभा जी बोलते हैं, यू कैन नॉट गिव अप द बिजनेस ऑफ वॉकिंग, यू कैन नॉट गिव अप। वो तो पकड़ना है ही, उस चैलेंज को कभी छोड़ने का नहीं, वही तो हमारा चैलेंज है। ठीक है, जब आप उस चैलेंज को क्रॉस कर जाएंगे तब आप जाके मध्यम अधिकारी बनेंगे। मध्यम अधिकारी विल नॉट फॉल डाउन, आप स्थित हैं अभी। ठीक है, अभी आप सत्वगुण में स्थित हैं और आपको रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से घटिया किस्म के काम नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज़ वन मोर वे टू लुक इन द मेटल वर्ल्ड। एंड इनके घटिया काम अगर होने लगे हैं तो नेक्स्ट जन्म भी घटिया मिलेगा। क्या है घटिया जन्म? अबॉमिनेबल जन्म, दानव, कीड़े मकोड़े, सांप, बहुत बहुत। देखो कुत्ते को देखना, बेमतलब है, भोंकता है लोगों में। पिछले जन्म में होगा कि घटिया किस्म का इंसान कुछ होते हैं बेमतलब हो गया पिछले जन्म में कुछ घटिया किस्म का इंसान, ऐसा क्यों भौंक रहा है? करेक्ट। तो ये दिस इज़ ऑल गोइंग ऑन, दिस इज़ वेरी वेरी समटाइम्स बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि भक्सन प्रभुपाद बोलते हैं ये तो जेल है, यहाँ तो चारों तरफ घटिया किस्म के इंसान ही रहते हैं, यहाँ पे आप जेंटलमैन नहीं मिल सकते, बहुत मुश्किल है इस दुनिया में जीना। ठीक है, बट हमको इस टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दिस मेटल वर्ल्ड, वी शुड टेक फुल शेल्टर एंड वी शुड नॉट कंसिडर अवर सेल्फ कॉम्प्लेसेंट कि थोड़ा कुछ नहीं होगा। लिटिल इनटेंशन कैन क्रिएट हैवॉक, थोड़ा भी गलती, जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं, भरत महाराज थोड़ा सा, वो तो भक्त थे, ऐसा बोल सकते हो भक्त नहीं है? ये हम लोगों के लिए वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? भरत महाराज भक्त थे, हम भी सोचते हैं हम तो भक्त बन गए, ठीक है, डेफिनेटली कृष्ण का शरण मिला है, लेकिन भक्त बने हो कुछ भी और सब कुछ नहीं कर सकते, आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सो सेम वे वी शुड बी केयरफुल, ये नहीं कि भक्त बन के कुछ भी कर सकते, देन वी विल बी पनिश्ड। ठीक है, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। द मेटेरियल वर्ल्ड इज नेचर इज सच दैट वेरी ईजिली, बहुत ही ईजिली आदमी फंस सकता है इन द सिचुएशन। हमारा डेफिनेटली आचार्य प्रभुपाद जी का कृपा है, ये सच कॉम्पैशन। एक्चुअली नॉर्मल देखो जनरली लोग प्रचार करते हैं, क्या कोई आदमी है इसका संस्कार नहीं है, इसको समझ नहीं आएगा, कह रहे कुछ उसको पूछो जब करो, क्यों जब करो, कुछ वो एक थोड़ा विपरीत उत्तर दे, वहीं पे हम छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इसको कुछ समझा के। करेक्ट, हमारा पेशेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि हरि नाम में कितना शक्ति है, हमको विश्वास नहीं है, हरि नाम में बहुत शक्ति है लेकिन हमको उसमें विश्वास नहीं, इसलिए हम सोचते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट, जनरली बहुत जल्दी ही छोड़ देते हैं, फ़ायदा नहीं। एक बार ही हमको याद है, गोवा से एक आदमी बाइक लेके आया था, अपनी पता नहीं शादी तो नहीं होगी, गर्लफ्रेंड के साथ, बिल्कुल हिप्पी की तरह, दो फॉरेनर्स और कपड़े भी गंदे, उनका दाढ़ी और मतलब बदबू आ रही थी, और पहुँचे और हमको पूछते हैं वी कैन वी स्टे हियर, मैंने कहा नहीं देखे नहीं और प्रभुपाद जी वैसे ही लोगों को रखे थे शुरू में, ये प्रभुपाद जी को जब वापस इंडिया में आए थे तो उनके एक गॉड ब्रदर था, उनका नाम था श्रीधर महाराज, याद है कि बहुत बहुत स्नेह था उनको दोनों का एक दूसरे पे। तो प्रभुपाद जी के जब वापस आए, उन्होंने अपने एक भक्त को बोला, उनको बताओ मैं उनको मिलना चाहता हूँ। सो ही सेड मैं आपको मिलना चाहता हूँ, ठीक है। सो देन व्हाट हैपेंड वाज, प्रभुपाद केम एंड दे हैड अ वेरी नाइसली, दे वर वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर, एंड देन ही आस्क्ड दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड दे वर सो हैप्पी टॉकिंग।
देन इज व्हाट हैपेंड, क्या हुआ भाई? नहीं, शुरू में थोड़ा मुश्किल था, हाथ से जैसे गटर से एक एक को उठाया है। कहां से उठाया? गटर से एक एक को उठाया शुरू में, अभी आ रहे हैं हजारों में। शुरू में एक एक को पर्सनली हाथ में गटर से निकाला, ऐसे थे कीड़े मकोड़ों की तरह। तो इतना मतलब कॉम्पैशन चाहिए होता है, इंटेंस कॉम्पैशन। इसलिए श्लोक में तो कृष्ण जी बोल दिया कि हम तो उनको आई विल पनिश देम सीवियरली। लेकिन कृष्णा की कृपा, एक्चुअली सबसे ज़्यादा कृपा कृष्ण डायरेक्टली नहीं दिखाते, भक्तों के थ्रू दिखाते। आपके चित्र महाप्रभु लीला में भी है ना, काल कृष्णदास जब साउथ इंडिया टूर में आते हैं, घटिया काम कर देते हैं। क्या करते हैं घटिया काम? वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा छोड़ के भट्टाहारी के पीछे भग जाते हैं, पता है ना? उनका नाम क्या था? काल कृष्णदास। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उधर, और भट्टाहारी मतलब वो क्या कहते हैं, ढोंगी साधु होते हैं, और वो उसको पकड़े हुए होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े नम्र से बोलते हैं, भाई ऐसा है, देखो तुम भी साधु हम भी साधु हैं, ये मेरा सेवा कर रहा है, आप इसको क्यों ले गए? इसको मेरे को मतलब बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, ऐसे कुछ नम्र से बोलते हैं। वो लोग तो घटिया किस्म के इंसान होते हैं, वो कुछ अपने चाकू भाल ये सब उसके ऊपर फेंक देते चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु तो हाथ हथियार नहीं उठाना था उनको, उनका रूप भक्त का रूप है, तो वो वेपन ही उनके ऊपर चले गए वापस, उनका अद्भुत शक्ति। और वो सब लोग मतलब थोड़े मरकट के कुछ लोग गिरे, भाग गए सबके साथ। फिर बाल से खींच को उसको वापस लाए चैतन्य महाप्रभु, किसको? काल कृष्णदास को। एक्चुअली वो उनकी स्त्री के पीछे भागा था। फिर वापस चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए, काल कृष्णदास को बोला, जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता फिर से। बहुत दुखी था, भगवान का सेवा छूट गया। लेकिन बाकी डिवोटी सोच रहे थे, नहीं यार चलो गलती हो गई, लेकिन सेवा तो करता रहता है हमेशा। उसको फिर कुछ और सेवा दी, जाओ तुम ऐसा करो, मायापुर जाओ, कुछ ये सची माता को ये देना, उधर से ये लाना। उसको फिर भगवान की सेवा में लगा दिया कुछ। तो प्रभुपाद जी उधर कमेंट करते हैं कि भगवान से भी ज़्यादा कृपालु उनके भक्त होता है। ठीक है, सो इस तरह समझ के वी शुड ऑल कंटिन्यू। सो इधर कृष्ण जी बोल रहे हैं, मैं तो उनको नहीं देखना चाहता उनका चेहरा, मैं उनको बिल्कुल अबॉमिनेबल स्पीशीज में डाल दूंगा। बट द सेम टाइम डिवोटीज टेक ऑल रिस्क। जैसे एक जगह कृष्ण जी बोल रहे हैं भगवद गीता में कि आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करो इन लोगों के पीछे, ना? जो लोग ऐसे लोग जो हैं घटिया लोग, उनके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करो। लेकिन भक्त को उनका कृष्ण का दिल मालूम है, इसलिए वो फिर भी प्रयत्न करते हैं। ठीक है, और कृष्ण के बहुत प्रिय हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद की, भगवद गीता की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrindaki.